हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ। वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो पहली हुई थी मैग्नस कार्लसन और आनंद के बीच की पहली वर्ल्ड चैम्पियनशिप, इसमें सबसे ज़्यादा बर्लिन डिफेंस खेली गई थी। दोस्तों, बर्लिन डिफेंस के बारे में नाम तो सबने सुना ही होगा। बर्लिन डिफेंस रुई लोपेज की एक पार्ट है। ब्लैक से अगर आप चेस डेटाबेस में देखते हो, जैसे चेस वाइट्स में मैंने आपको बताया कि परसेंटेज वाइट देखते हो, तो बर्लिन डिफेंस में ब्लैक बहुत सारी गेम्स हारा है वाइट से ज़्यादा। फिर भी मैग्नस कार्लसन ने बर्लिन डिफेंस का यूज़ किया था वर्ल्ड चैम्पियनशिप जैसी टूर्नामेंट में और आनंद को उसको हराया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप जब आनंद और कार्लसन के बीच में हुई थी, फर्स्ट नहीं लेकिन जब उन दोनों के बीच की पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो उसमें कार्लसन ने विन किए थे बहुत सारे गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल जीत लिया था। तो उसमें ज़्यादातर यूज हुआ था बर्लिन डिफेंस का। आप उस गेम्स को डेटाबेस में से चेक कर सकते हो। रुई लोपेज के सामने बर्लिन डिफेंस कैसे खेला जाता है और उसके बारे में हम आज डीप में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। रुई लोपेज बर्लिन डिफेंस, e4, e5, nf3, nc6, देन बिशप b5। ये रुई लोपेज का पार्ट है, परफेक्ट मूव है। और उसके बाद मेन लाइन में a6 आता है, जो रुई लोपेज के हमने देख लिया a6 वेरिएशंस। उसमें मैंने आपको अरोनियन वेरिएशन सिखा दिया है जो काफ़ी हद से ब्लैक से खेलने लायक है। यहाँ पे हम देखेंगे बर्लिन डिफेंस, यहाँ ब्लैक खेलता है नाइट f6। तो ये चार मूव आप बुक में लिख लीजिए कि ये चार मूव टोटल रुई लोपेज के परफेक्ट मूव है। नाइट f6 के बाद व्हाइट कैसलिंग, अब यहां पे बिशप c5, bc5 के बाद यहां से चार वेरिएशन है। बिशप टेक्स c6, आप abcd ऐसे चार डिवाइड कर सकते हो, जिसमें इतना स्ट्रक्चर होने के बाद ए में आपको बिशप टेक c6 एक ये वेरिएशन देना है। दूसरा जो मैं बताऊंगा वो है नाइट c3। थर्ड जो वेरिएशन है वो है d3 और फोर्थ वेरिएशन है नाइट टेक्स e5। तो ये चारों वेरिएशन देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे बिशप टेक c6। व्हाइट बिशप टेक्स c6 करता है, तो यहां डी क्रॉस c6 आएगा आंसर में। पोजीशन आपके सामने ऐसी होगी। उसके बाद नाइट टेक्स e5, और काउंटर अटैक में नाइट क्रॉस e4। re1 पॉसिबल नहीं है अभी क्योंकि बिशप टेक्स f2 थ्रेट है, तो वाइट re1 नहीं कर सकता है, इसीलिए नाइट क्रॉस e4 हम कर सकते हैं। क्वीन e2 पॉसिबल मूव, क्वीन e2 यहाँ पे डिस्कवर की थ्रेट है। अगर नाइट हटेगा तो नाइट टेक्स पॉन चेक और आपकी क्वीन लॉस होगी। तो क्वीन e2 के सामने यहां रिप्लाई देना है क्वीन d5 विथ डबल अटैक और नाइट, और नाइट को सपोर्ट की। तो क्वीन d5, वाइट खेलेगा नाइट d3 और यहां सिंपल आप डिफेंस कर सकते हो शॉर्ट कैसल के साथ में। आफ्टर नाइट टेक्स c5, नाइट टेक्स c5,
उसके बाद वाइट खेलेगा नाइट सी थ्री और क्वीन एफ फाइव। यहाँ हमारे हो जाते हैं टेन मूव कंप्लीट, लेकिन यहाँ पे सी टू पे क्वीन का अटैक है, तो वाइट नेचुरल मूव है डी थ्री जो अपने पॉन को प्रोटेक्ट भी करेगा और डार्क जो लाइट स्क्वायर डार्क स्क्वायर बिशप है वो ओपन होता है। यहाँ नाइट ई सिक्स बेस्ट चॉइस है, आफ्टर नाइट ई सिक्स नाइट डी फोर आपको प्ले करना है। नाइट ई सिक्स के बाद नाइट डी फोर को स्टॉप करने का मूव है बिशप ई थ्री और यहाँ सिंपल सी फाइव देन नाइट डी फोर। तो ये प्लानिंग से आप आगे बढ़ सकते हो बिशप टेक सी थ्री वेरिएशन में। फिर से देख लेते हैं बिशप टेक सी थ्री ई फोर ई फाइव एन एफ थ्री एन सी सिक्स देन ए सिक्स नहीं ए सिक्स के अल्टर में नाइट एफ सिक्स कैसल बिशप सी फाइव बिशप टेक सी सिक्स डी टेक सी सिक्स और यहाँ नाइट टेक सी फोर क्वीन ई टू के बाद क्वीन डी फाइव नाइट डी थ्री और कैसलिंग आफ्टर नाइट टेक सी फाइव क्वीन टेक्स और क्वीन एफ फाइव डी थ्री और यहाँ नाइट और नाइट को जगह देने के लिए सी फाइव खेल के आप नाइट डी फोर बैठा सकते हो। तो ये प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छा है दोनों की ओर से। हालांकि ब्लैक का एक लाइन में दो पॉन हो चुका है, लेकिन वो पॉन आगे बढ़ के आप एक्सचेंज करके दोनों साइड में कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा वेरिएशन देखते हैं। अब इसी पोजीशन में दूसरा वेरिएशन मैंने बताया था नाइट सी थ्री, नाइट सी थ्री पे प्लेबल है। आफ्टर नाइट सी थ्री नाइट सी थ्री के बाद में आपको करना है शॉर्ट कैसल, उसके बाद नाइट टेक्स ई फाइव नाइट टेक्स ई फाइव देन डी फोर और अपना पीस वापस लेने की थ्रेट के साथ वाइट भी कम बैक करता है इस गेम में। तो काफी दोनों तरफ से टैक्टिकल गेम है नाइट सी थ्री। यहाँ आप बिशप डी सिक्स रिप्लाई दे सकते हो, पॉन आपको वापस मिलता है पॉन टेक्स नाइट के बाद। बिशप डी सिक्स में एक सरप्राइज मूव है वाइट के पास एफ फोर इंस्टेड ऑफ टेकन द नाइट एफ फोर करके अगर आप नाइट से सिक्स करते हो उसके बाद ई फाइव तो यहाँ पे फिर उसे पीस वापस मिल रहा है। बिशप बी फोर ये भी प्लेएबल मूव है और यहाँ पे सिंपल डी फाइव प्रेशर ऑन पीस कंटिन्यूस प्रेशर है दो दो पीस पे नाइट पे अटैक। काफी टैक्टिकल लाइन है खेलने लायक है दोस्तों, तो ये आप ट्राई कीजिए। तीसरा जो वेरिएशन है डी थ्री व्हाइट खेलता है डी थ्री, यहाँ पे ब्लैक से रिप्लाई मिलता है नाइट डी फोर विथ फॉर्क बिशप और नाइट एफ थ्री पे। तो नाइट डी फोर के रिप्लाई में नाइट टेक्स डी फोर ये व्हाइट की चॉइस होगी, बिशप टेक्स डी फोर ब्लैक की चॉइस है, उसके बाद सी थ्री सेंट्रलाइज द पॉन और बिशप पे अटैक। बिशप बी सिक्स यहाँ पे बेटर रहेगा, बिशप बी सिक्स के बाद नाइट डी टू ये व्हाइट के लिए एक बेस्ट मूव है डेवलप हिज नाइट। नाइट डी टू के सामने ब्लैक खेल सकता है सी सिक्स बिशप ए फोर और कैसलिंग देन नाइट एफ थ्री। ये टेन मूव हो गए आपके तीसरे वेरिएशन में कंप्लीटेड। ये तीनों वेरिएशन इसके बाद में लास्ट वेरिएशन बताता हूँ आपको। आखिरी वाला वेरिएशन है सिंपल है नाइट इंटू ई फाइव, नाइट इंटू ई फाइव आफ्टर नाइट टेक्स ई फाइव देन डी फोर। ये पोजीशन स्लाइटली बेटर है व्हाइट के लिए। डी फोर के बाद ब्लैक काउंटर अटैक करता है ए सिक्स और व्हाइट बिशप ई टू, बिशप ई टू ये ओनली डिफेंसिव मूव है। बिशप ए फोर में बी फाइव करके
और डेवलप हो जाएगा, ब्लैक का और पीस भी बच जाएगा। तो बिशप ई टू इज बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे। बिशप ई टू के सामने, बिशप ई टू के सामने नाइट क्रॉस ई फोर, ये भी एक अच्छा मूव है। डी इंटू सी फाइव, हालांकि ज़्यादातर लोग बिशप ही लेना पसंद करेंगे। इसके बाद यहाँ बी फोर और वही सब सपोर्ट आके डी इंटू सी फाइव, इसलिए बी फोर नहीं हुए, इसीलिए पहले से ही नाइट टेक सी फाइव को ले लेना है पॉन। और उसके बाद दो ऑप्शन है वाइट के पास, एक तो बी फोर और दूसरा जो ऑप्शन है क्वीन डी फोर। दो ऑप्शन है यहाँ पे। बी फोर अगर कोई वाइट खेलता है यहाँ पे, तो आपको नाइट ई सिक्स सिंपल ले लेना। इंटरेस्टिंग गेम है दोस्तों रुई लोपेज में। चारों चार वेरिएशन आपके सामने है। अब आप अपनी ओपनिंग तैयार करके टूर्नामेंट में इसे अप्लाई कीजिए, बहुत मजा आएगा खेलने में। चार में से जो भी लाइन आपको पसंद आए आप खेल सकते हो। और चारों वेरिएशन आपके लिए, अगर ब्लैक के लिए तो बेटर है कि चारों वेरिएशन लर्न कर ले, क्योंकि कोई भी वाइट इन चार में से कोई भी यूज़ कर सकता है। तो चलिए जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए वेरिएशन के साथ। जय हिंद, जय गुजरात।